फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी के नर्सरी झुग्गी के पुश्ते पर लगाई गई दुकानें छठ पूजा की सामग्री की, नहाए खाए से महिलाओं ने किया अपना व्रत चालू। शुक्रवार की शाम 5 बजे गीता कॉलोनी के नर्सरी झुग्गी के पुश्ते पर हमने जाकर जायजा लिया, जहां पर दुकानें लगाई गई हैं छठ पूजा की सामग्री की। वहीं दुकान चलाने वाली एक महिला ने बताया कि इस बार काफ़ी महंगा हो गया है व्रत का सामान, पीछे से भी उनको महंगा मिल रहा है, इसलिए वो भी महंगा बेच रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि नहाए खाए से महिलाओं का व्रत चालू हो गया है। सुने आप बाइट। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, आज से नहाए खाए का व्रत शुरू हो गया, महिला व्रत करेंगी, तो आज से पूजा की सामग्री बेचनी शुरू हो गई, क्या क्या सामान है? सामान तो इतनी आइटम है इसकी जो हम बता नहीं सकते हैं, दुकान है आप देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हम महंगा ला रहे हैं, महंगा बेच भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद तो कल खरना है, कल भर की दुकानदारी है पूरी दिन। सूप कितना महंगा होगा? नींबू जो है पूजा की सामग्री, कौन कौन सी महंगी चीज़ें? जो हम 50 रुपये लाते थे तो 80 रुपये 70 रुपये बेचते थे, अभी वहीं से 100 रुपये आ रहे हैं, तो हम यहाँ 120 रुपये 130 रुपये सूप बेच रहे हैं। बात की जाए 2 साल बाद अब पूजा की, कैसे लग रहा है, ग्राहक कितने आ रहे हैं? मतलब अधिक से ज़्यादा तो पब्लिक गांव जा चुके हैं, जो है वो थोड़ा बहुत कम है, मतलब पहले की तरह भीड़ भराक कुछ भी नहीं है। जैसे पहले हमारी छठ पूजा यहाँ दिल्ली में मनती थी, ये जबना जाने की वजह से सब अधिक लोग गाँव जाने लगे, जब से वहाँ बंद हो गई तब से मतलब इतनी भीड़ भराक कुछ भी नहीं है। अब तो ये सरकार ने कह दिया ना, सार्वजनिक सारी चीज़ें खत्म कर दी, मास्क खत्म कर दिया, ना मास्क लगा सकते, कोरोना काल भी खत्म हो गया, फिर भी पता नहीं चलती है कि वो मोदी है या केजरीवाल है या कौन है, ये तो हमें नहीं पता, पर क्यों नहीं होने दे रही? अगर कोरोना खत्म हो गई तो पूजा भी होना देना चाहिए, दशहरा हो रही है, हर त्यौहार हो रही है, ये हमारी छठ पूजा क्यों मना करते हैं करने के लिए, जबकि दशहरा भी हो, दशहरा 9 दिन 10 दिन की होती है, दीपावली भी पूरे 24 घंटे की होती है, हमारी छठ पूजा बस 2 घंटे की है, जब ना जाते वहाँ 1 से 2 घंटे पब्लिक अपना रहते हैं, हाथ उठाए फिर अपने घर आ जाते, तो भी इनको तकलीफ है, इनको दिक्कत है, जो ये होने नहीं देते हैं, इस वजह से हमारे बच्चे भी महसूस होते हैं, मायूस होते हैं। पहले थोड़ा बहुत हम घाट भी चले जाते थे नए नए कपड़े पहन के खुशी से, अब तो वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं।